हेलो फ्रेंड्स, किरण द निटर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही सुंदर डिज़ाइन। ये डिज़ाइन आप कार्डिगन, जेंट स्वेटर, बेबी स्वेटर, स्कार्फ, कैप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। और मैं आपको एक बात और बोलना चाहती हूँ, आप मेरे वेबसाइट kiranknits.com पे विज़िट करें, वहाँ आपको सारे पैटर्न इंग्लिश में रिटर्न मिलेंगे, जिससे आपको बुनने में और भी सुविधा होगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं ये पैटर्न। देखिए, इसके लिए लिए हैं मैंने 22 फंदे। ये डिज़ाइन 5-5 के मल्टीपल्स में चलता है। आप 5-5 के मल्टीपल्स करके प्लस 2 कर लेंगे तो ये डिज़ाइन आपके प्रोजेक्ट पे सेटल हो जाएगा। तो ये इसकी राइट साइड है, राइट साइड से ही शुरू करेंगे और ये इसकी फर्स्ट रो है। तो चलिए हम पैटर्न इसका शुरू करते हैं। राइट साइड फर्स्ट रो, दो फंदे उल्टे, 1 2, तीन सीधे, 1 2 थ्री, देखिए ऐसे दो उल्टे, 1 2 तीन सीधे। ये सारी रो जितने भी आपके पास फंदे हों ऐसे ही करनी है, दो उल्टे स्टार्टिंग से, तीन सीधे, दो उल्टे, तीन सीधे, फिर दो उल्टे, देखिए तीन सीधे। बहुत ही इजी पैटर्न है, आप बड़े आराम से इसको बुन लेंगे और दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए दो उल्टे, फिर तीन सीधे और लास्ट में आपके पास दो उल्टे आ जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप वैसे इसके स्टिचेस डालेंगे तो। देखिए ये फर्स्ट रो हमने डाल ली है। रो नंबर 2 में है, रॉन्ग साइड है इसकी। इसमें देखिए दो सीधे डालेंगे जो हमने उल्टे डाले उधर, देखिए ऐसे, और तीन हम उल्टे डालेंगे, दो सीधे, तीन उल्टे, दो सीधे, तीन उल्टे, ऐसे ही ये रो सारी कंप्लीट करेंगे, दो सीधे और तीन उल्टे के साथ। इसकी उल्टी रोज जो हैं ये सारी ऐसी आएंगी, जिसमें दो तीन उल्टे रहेंगे और दो इसमें सीधे रहेंगे। तीन उल्टे और लास्ट में आपके पास दो सीधे आ जाएंगे। ये रो नंबर 2 रॉन्ग साइड हमने कंप्लीट कर ली है। देखिए ये ऐसे दिखेगा रॉन्ग साइड से। राइट साइड में हम रो नंबर 3 है ये। देखिए कैसे बुनेंगे, दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे, देखिए दो फंदे उल्टे बुनेंगे। अब ये तीन सीधे हैं जो हमारे पास, इनको इकट्ठा, देखिए एक साथ उल्टा बुनेंगे एक बार, देखिए लूज रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, एक बार बुना, धागा ऊपर से घुमाएंगे सिलाई के, दूसरी बार बुना, लूज रखेंगे, धागा ऊपर से घुमाएंगे सिलाई से, और तीसरी बार फिर से बुनेंगे। देखिए ऐसे तीन बार हम इन तीन फंदों को बुनेंगे, इसके बनेंगे 5 फंदे। इसको अब हम छोड़ देते हैं, काउंट कर लेते हैं। देखिए 5 फंदे बनेंगे, 1 1 2 3 4 और 5, 5 फंदे इसके बन जाएंगे। देखिए ये 1 फंदा छोड़ के एक इसका दूसरा फंदा लेंगे, देखिए
ये वाला एक फंदा छोड़ के दूसरा फंदा लेंगे और इनके ऊपर से निकालेंगे। देखिए फिर हम यहाँ से आगे से पकड़ के इसको ऐसे चढ़ाएंगे। देखिए इस पे, फिर देखिए फिर दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे, वन और ये टू, और फिर से वैसे रिपीट करेंगे, तीन फंदे एक बार बुनेंगे, उल्टा बुनना हमें, लूज रखेंगे, धागा सिलाई के ऊपर से घुमाएंगे, दूसरी बार बुनेंगे, लूज रखेंगे, धागा फिर से घुमाएंगे, और ये तीसरी बार बुनेंगे। देखिए ऐसे, अब हमारे पास ये पांच फंदे हो गए टोटल। देखिए 1 2 3 4 5, और इसमें से हम वन और ये दूसरा फंदा है जो सेकंड, इसको हम यहाँ से ऊपर से निकालेंगे और आगे से यहाँ से पकड़ के इसको इस पे चढ़ा देंगे फिर से दोबारा। देखिए ऐसे, फिर दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे, वन टू, देखिए ऐसे, फिर वैसे ही करेंगे। जो तीन फंदे आपके पास सीधे होंगे उसमें आपने ऐसे ही करना है, एक बार बुना, दो बार बुना, और ये थ्री टाइम्स हम इसको बुनेंगे तीन फंदों को। देखिए तीन टाइम हमने बुन लिया है। देखिए ये दूसरा फंदा जो इसका लेके इसके ऊपर से निकालेंगे और आगे से पकड़ेंगे इसको, आप यहाँ से ध्यान से देखें, आगे से पकड़ेंगे और ऐसे हम इसको चढ़ा लेंगे, और फिर से दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे, वन टू, जो हम उल्टे बुन रहे हैं पहले से, और लास्ट टाइम एक बार फिर से आप देख लीजिए, एक बार बुनेंगे तीन फंदे इकट्ठे, धागा घुमाएंगे, दूसरी बार बुनेंगे, थ्री टाइम्स हम इसको बुनेंगे, तीसरी बार बुनेंगे, ये हमने थ्री टाइम्स इसको बुन लिया है तीन फंदों को। अब देखिए ये हमारे पास यहाँ पांच फंदे हो चुके हैं, ये सेकंड वाला फंदा लेंगे, फर्स्ट फंदा छोड़ के सेकंड वाला फंदा उठा के यहाँ से इधर को गिराएंगे, आगे से पकड़ के यहाँ पे हम चढ़ा लेंगे। देखिए ऐसे ऐसे आएगा, आपको ऐसे ही चढ़ाना है जी, और ये लास्ट वाले दो फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। रो नंबर फोर में हम रॉन्ग साइड में ये फंदे तो हमें दो ऐसे बुनने सीधे, फर्स्ट दो फंदे ये सीधे बुनेंगे, फिर धागा इधर को लाएंगे और ये फंदा जो है ये हम उल्टा बुन लेंगे, इसमें से पहला पांच फंदों में से, फिर दो का एक करेंगे। देखिए ऐसे लेंगे, वन और टू, दो फंदों का एक, और फिर से दो फंदों का एक। देखिए हमारे पास ये फिर से तीन फंदे होंगे, वन टू थ्री, धागा पीछे को ले जाएंगे, दो फंदे बुनेंगे, देखिए ऐसे धागा आगे लाएंगे, एक फंदा अकेला बुनेंगे, पहले पहले वाला फंदा हम अकेला ही बुनेंगे, एक फर्स्ट फंदा अकेला बुनेंगे। देखिए फिर बाद में हम दो दो फंदे बुनेंगे, देखिए ऐसे, वन और टू दो कट्ठे, फिर देखिए वन और टू दो कट्ठे बुनेंगे, ऐसे दो फंदे सीधे, वन टू, देखिए फिर वैसे करेंगे, एक फंदा अकेला बुनेंगे सबसे पहले वाला इसमें से पांच में से, और फिर हमारे पास ये वन टू थ्री फोर, फिर दो दो के जोड़े में इसको दो का एक कर देंगे। देखिए दो का एक और ये दो का एक, ये दो लाइन्स इसकी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें डिज़ाइन आएगा रो नंबर थ्री और रो नंबर फोर में।
बाकी रोज होंगी वो गैप देने के लिए आएंगी। देखिए एक फंदा अकेला बुनेंगे इसमें से पहले वाला, और फिर दो दो इकट्ठे बुनेंगे। दो दो इकट्ठे बुनेंगे, फिर दो फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए रॉन्ग साइड से ऐसे दिखने लग जाएगा। देखिए फ्रेंड्स डिज़ाइन आ गया है, मैं पहले वाला भी आपको दिखाती हूँ। अभी हमने ये 4 रोज डाली हैं, अभी इसमें रिपीट करेंगे तो डिज़ाइन आता जाएगा। ये देखिए इसमें बार बार रिपीट हुई, हमने यहाँ तक डाली, अभी बार बार रिपीट होंगी तो ये ऐसी वाली लाइंस आपकी बन के आएंगी। देखिए फ्लेक्सिबल डिज़ाइन है, बहुत सुंदर लगता है। और अब आप बस इसकी ये जो 4 रोज हैं 1 2 3 4, इन रोज़ को आप रिपीट करते जाएंगे तो ये डिज़ाइन आगे आपका चलता जाएगा। अब आप रो नंबर 1 यहाँ पे रिपीट करोगे, देखिए ऐसे फिर आपका आगे डिज़ाइन चल के ऐसा दिखेगा। देखिए बहुत सुंदर डिज़ाइन है, आप भी अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे डालिए और किसी भी कलर में डालें, बहुत ही सुंदर लगेगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। थैंक यू।